अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं जनाब। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं एक फूड व्लॉग बनाने जा रहा हूँ तहाँ भाई के साथ, कादरी डाइन इन एंड कैटरिंग पे। तो सीन ये हुआ जनाब, वहाँ पर के हमने तकरीबन 8:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद जो तकरीबन 10:30 बजे 11 बजे तक जो है हमने व्लॉग किया, और काफ़ी मेहनत से हमने ब्लॉग किया, बहुत टाइम लगाया और हर तरह से हर एंगल से हमने उसको बनाने की कोशिश की, और कोशिश थी कि अच्छा ब्लॉग बनाए। लेकिन जब मैं घर आया और आने के बाद मैंने चेक किया वीडियोस को, तो पता चला कि उसमें साउंड नहीं है, और तकरीबन जो है 50% जो ब्लॉग था हमारा वो म्यूट था। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा क्या करूं, इतनी मेहनत जो है मेरी ज़ाया चलेगी। तो पता ही चला कि जी, जब हम व्लॉग बना रहे थे तो वहाँ पर नीचे एक छोटी सी बिल्ली जो है वो घूम रही थी, तो उसने जो है हमारे जो बूस्टर होता है हमारे माइक का, उससे कुछ खेलना शुरू किया। पता चला कि वहाँ से स्विच जो है वो ऑफ़ हो गया, और उमूमन ऐसा होता है कि हम लोग स्विच जो है वो देखते नहीं है कि ऑन है या ऑफ़ है, बस जब स्टार्टिंग हम लेते हैं तो उस वक्त हम चेक कर लेते हैं माइक, उसके बाद हम ब्लॉग पूरा का पूरा बना लेते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस तरह से स्विच ऑफ हो जाए। तो जनाब फिर कहानी हुई कि जनाब पूरा जो है ना म्यूट हो गया, इस छोटे से वाक़े से हमारी इतनी मेहनत जो है वो ज़ाया गई। तो बहरहाल अभी तक मैंने वो ब्लॉग डाला नहीं है, हो सकता है कि मैं एक आध दिन में डाल दूं, लेकिन उसमें ये होगा कि जो हमारा ब्लॉग होगा मे बी जो म्यूटेड एरिया है हमारा, उसको हम थोड़ा सा म्यूज़िक से कवर करेंगे या फिर वॉइस ओवरिंग करेंगे। तो ये भी एक नया तजर्बा हो गया हमारे लिए कि हम इस तरह के जो ब्लॉग हैं उस अगर उसमें आवाज़ ना हो तो उसको किस तरह से कवर। जाहिर सी बात है कि बंदा जितना फिर गलतियों से ही सीखता है, तजर्बा उसको इसी तरह से आता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं व्लॉग्स के साथ साथ। अच्छा, फिर उसके बाद हम गए, हमारा जो नेक्स्ट जो प्लानिंग थी हमारी वो ये थी कि हम मज़ेदार हलीम जो है वहाँ पर हम व्लॉग करेंगे, और उसके करीब एक और है फूड टाउन जो कि अनलिमिटेड जो है डील दे रहा है। अच्छा, फूड टाउन का भी हमने व्लॉग किया। फूड टाउन में ये था कि 500 रुपीज़ में जो है अनलिमिटेड बर्गर हैं, बीफ बर्गर, चिकन बर्गर, जिंगर, जो आपने खाना है खाएं, रोल हैं बारबेक्यू रोल वो देते हैं। फी बंदा जो है 500 रुपये देगा और वो अनलिमिटेड बर्गर्स खा सकता है। तो ये बहुत अच्छी डील थी जो जो कि हमने मुतारिफ़ कराई है। ये ब्लॉग हमारा देखिएगा, तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा आपको। फिर इस तरह जब हम वहाँ से फ़ारग हुए, तो फ़ारग होने के बाद हम चले गए मज़ेदार हलीम के पास। मज़ेदार हलीम में हमने एक अच्छा व्लॉग बनाया, और थोड़ा सा अलग टाइप का व्लॉग है जो आप देखेंगे, उसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं मिलेगी आपको। एडिटिंग जो है वो आपको मिलेगी फूड टाउन वाले में, वहाँ पर एडिटिंग कम मिलेगी क्योंकि हमने कंटिन्यूसली जो है व्लॉग किया है। तो उसमें आप देखिएगा कि मज़ेदार हलीम में हमने सिर्फ जो है अपने रिव्यूज़ दिए हैं और लोगों के रिव्यूज़ दिए हैं, कुकिंग हमने नहीं दिखाई है। उमूमन हम ऐसा होता है कि कुकिंग भी दिखाते हैं, तो कुकिंग हमने इसलिए नहीं दिखाई कि थोड़ा सा हालात कुछ ऐसे हैं, कोरोना के अभी भी कुछ पाबंदियाँ हैं होटल्स के ऊपर। तो हम जब वहाँ पर व्लॉग बना रहे थे मैं और ताहा भाई, तो कुछ इंतज़ामिया के लोग आ भी गए, और उन्होंने हमें कहा कि जी आप वीडियोज़ जो है वो नहीं बना सकते। तो बहरहाल हमने फिर कोशिश करके किसी तरह से कट डाउन किया और अपने ब्लॉग को वाइंड अप किया। फिर हम मैनेजमेंट के पास गए, हमने कहा भाई हमें व्लॉग बनाना है, हमें थोड़ा सा वो दें, स्पेस दें। तो मैनेजमेंट ने फिर शायद मशवरे के बाद वो कहा कि नहीं जी आप अभी इजाज़त नहीं है, जो हालात चल रहे हैं उस लिहाज से उन्होंने फिर इजाज़त नहीं दी। तो इस तरह के मसाइल भी आते हैं। तो बात वही है, मैंने जो पहले व्लॉग में बात कही थी कि जी हमारा मोरल उस वक्त अप होता है जब वेलकमिंग जेस्टर हो, जो भी रेस्टोरेंट के लोग हों वो हमें वेलकम करें, तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है और हम अच्छी तरह ब्लॉग करते भी हैं। लेकिन इस तरह की जब पाबंदियाँ होती हैं या इस तरह के जो मसाइल होते हैं, तो फिर हमें आप ये कह लीजिए कि
बड़ी मुश्किल होती है मैं बात करने में भी और व्लॉग बनाने में भी। तो आज के लिए जो है वो इतना ही मैं व्लॉग रखूँगा, और आपको मैं आने वाले दिनों में अपना जो फूड व्लॉग है उसकी अपडेट्स भी देता रहूँगा, आपको बताता भी रहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि आप लोगों को कोई सवाल हो मेरे मुतालिक, मेरे या फिर चैनल के मुतालिक, या कोई एडिटिंग के मुतालिक, या कोई और सिनेमैटिक जो शूट्स होते हैं उसके हवाले से कोई सवाल हो, या कोई भी सवाल हो यूट्यूब के हवाले से भी कोई सवाल हो, तो आप नीचे जाके कमेंट करें तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपका जवाब दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।